नमस्कार, मैं संतोष दीपक दृष्टि नाव के लिए। अभी हम हैं यहाँ झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में और यहाँ आयोजित किया गया है पर्यावरण मेला। 22 मार्च से शुरू इस पर्यावरण मेले का आज चौथा मेले में झारखंड के दृष्टिकोण से उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जो झारखंड की जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। सभी को पता है कि झारखंड प्राकृतिक परिवेश का एक ऐसा प्रदेश है जो जल, जंगल और जमीन का पर्याय है। पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदी नाले, पोखर, तालाब, आसमान और यहाँ की जमीन, वास्तव में झारखंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से इन्हीं सब के इर्द गिर्द निर्भर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज पर्यावरण ने उद्योग का, कृषि का या किसी भी अन्य क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन अंततोगत्वा स्थिति यह हुई कि इसके कारण नुकसान पहुंचा है यहाँ के पर्यावरण को। आज यहाँ पर्यावरण मेले में प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया जाता है और आज यहाँ इस पर्यावरण मेले में सम्मानित अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अंबुज नाथ जी हैं। वो प्रत्येक स्टॉल का परिभ्रमण कर रहे हैं। अगर झारखंड की स्थिति आज छुपी हुई नहीं है, यहाँ विकास के कारण वास्तव में एक हद तक विनाश भी हुआ है। पर्यावरण अनुकूल पर्यावरण जो झारखंड की अपनी पहचान है, लेकिन उस पर्यावरण को आघात पहुंचा है। अफसोस की बात तो यह भी है कि सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर सिस्टम, इन सभी का जितना विकास होना चाहिए था वो सब भी नहीं हुआ। और आज के दिन में निश्चित रूप से इस विषय पर गंभीरता के साथ चिंतन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि मैं झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री अंबुजनाथ जी, पर्यावरण के इश्यूज के प्रति तो बहुत ही विनाशकारक परिणाम होगा। केवल मेरे लिए नहीं, ये हमारा और सभी का कर्तव्य है कि लोगों को जागरूक करें, हमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए, सरकार का क्या रोल होना चाहिए, आपस में क्या सामंजस्य होना चाहिए, हर एक नागरिक का। मैं यहाँ एक जज के नाते नहीं आया हूँ, एक नागरिक के चलते नाते आया हूँ, क्योंकि पर्यावरण का इश्यूज़ जो है सो मेरे लिए बहुत अहम है। और अगर मैं इस इशू को एड्रेस करने मैं थोड़ा सा भी सक्षम होता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर, एक छोटा सवाल। जैसा कि अभी आपने सुना कि माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अंबुजनाथ जी ने कहा कि वे एक न्यायाधीश के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य नागरिक के रूप में पर्यावरण के इस मेले में आए हैं और यहाँ वे विविध स्टॉलों का परिभ्रमण करने के बाद यहाँ के सेमिनार में भी उनकी सहभागिता होगी। और यदि इस प्रकार से सक्रियता बढ़ती गई तो एक बात हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि झारखंड का पर्यावरण आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बेहतर होगा। पर्यावरण मेले में विविध स्टॉल लगाए गए हैं और इसमें वैसे स्टॉल भी हैं जो पेड़ पौधे का महत्व दिखाते हैं, साथ ही पर्यावरण के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। यहाँ एक स्टॉल में रांची के पहाड़ी मंदिर को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ी मंदिर विशेष रूप से कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा गाड़ा गया था। शुरुआत में यह कीर्तिमान था, लेकिन इसके कारण पहाड़ी के पत्थर जिस प्रकार से दरकने लगे उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। और यह केवल रांची के पहाड़ी मंदिर की बात नहीं है, झारखंड में ऐसे अनेक पहाड़ हैं, हाल फिलहाल के दिनों में ऐसे अनेक स्थल चर्चित भी रहे हैं और ऐसे पहाड़ों को नुकसान पहुंचता है तो कुल मिलाकर संपूर्ण पर्यावरण को, नदियों को, जंगल को, पेड़ पौधों को ऐसा नुकसान पहुंचता है जिसकी भरपाई करना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि सैकड़ों हजारों वर्षों के विकास के बाद झारखंड इस प्रकार से पर्यावरण के दृष्टि से उन्नत रहा है लेकिन आघात पहुँचाने में समय नहीं लगता है। बिल्कुल, पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए, इसी संदेश के साथ
इसी संदेश के साथ कि आप सभी अपना अपना योगदान दे, अपने हिस्से का योगदान दे। मैं संतोष दीपक, रांची राजधानी के मुराबादी मैदान के पर्यावरण मेले से, धन्यवाद।